A very good morning and welcome in Expert Brain Coaching Center. Today we are going to start a new topic, that is effect of temperature on resistance or resistivity. Temperature को बढ़ाने पे या घटाने पे, resistance पे या फिर resistivity पे क्या फर्क पड़ता है? Before starting the lecture, I would like to recall the previous topics which we have discussed in this chapter till now. We were reading current electricity chapter. In current electricity chapter, we have discussed about basic concept of electric current, average current, instantaneous current, drift velocity, and in last lecture, we had learned about electrical resistance and we have done a several numerical based on R is equal to rho L upon A. This is the lecture number 3rd of current electricity. आज ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3rd लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर का रेसिस्टेंस के ऊपर में या फिर रेसिस्टिविटी के ऊपर में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? बने रहिए इस चैनल के साथ। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोगों ने इन प्रीवियस 2 लेक्चर में रेसिस्टेंस निकालने का जो आप सिंपल फॉर्मूला पढ़ते थे R is equal to rho L upon A, उससे हटके मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मैंने बताया था। वो फार्मूला को अब याद करो, वो फार्मूला का यहां पे यूज होगा इस लेक्चर के अंदर में, ठीक है? अगर आपने नहीं देखा पिछले का 2 लेक्चर, फिर भी मैं इस लेक्चर के अंदर में इसको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ये आप लोगों को वो 2 लेक्चर देखना चाहिए। देखिए मैंने फार्मूला क्या लिखा है, R is equal to ML upon NA square tau A, R is equal to ML upon me NA square tau A। तो आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए यहाँ पे M क्या है, L क्या है, N क्या है, E क्या है, tau क्या है, A क्या है। मैंने लिखा है बगल में समझाने के लिए स्टूडेंट्स को, M जो हमारा है वो हमारा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L हमारा क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपको ये समझना है लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग विद करंट फ्लो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है वही वाले लेंथ को आप लोगों को न्यूमेरिकल के अंदर में कंसीडर करना है। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग विद करंट फ्लो, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या ये दूसरे लैंग्वेज में ये भी कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। व्हाट? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। टाउ स्टैंड फॉर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो फिर भी मैं बता दूं, जैसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारने में कोलिजन होने में जितना समय लगता है दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। 2 इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारने में, दूसरे से टकराने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दैट टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यहां पे जो हमारा टाउ है वो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ए क्या हमारा, ए हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर से हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसका ये क्रॉस सेक्शन है, और ये किस डायरेक्शन में लिया जाता है, परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। आपको ये दो पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ए कौन सा कंसिडर करना है, एल कौन सा करना है। L कंसीडर करना है लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग विद करंट फ्लो, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन को हम लोगों को लेंथ कंसीडर में लेना है न्यूमेरिकल के अंदर में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लेना है, लेंथ करंट जिधर फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है? मतलब करंट फ्लो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। क्लियर है? आपको समझ में आ गया कि ये जो हमारा यूज हुआ है लेटर R is equal to ML N E square tau A, इसमें सारे लेटर का मतलब क्या है? क्लियर है? अब देखो इसको पढ़ लेने के बाद मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारा यहां पे रो होता है, रो की वैल्यू ये होती है, ये रो इज इक्वल टू हमारा होता है R is, sorry, रो इज इक्वल टू M अपॉन में N E square tau, ये हमारी रो की पूरी वैल्यू होती है, रो का मतलब ये होता है। तो हम लोग इसको हटा के क्या लिख देते हैं, R is equal to rho L upon A। आप क्लास 10 से ये वैल्यू समझ आ रहा है rho L upon A। जो रेसिस्टिविटी है वो इन लेटरों से इफेक्ट होती है, समझ आ रही बात है यार ये? अब देख लीजिए कि अब हम लोगों को आज के लेक्चर में ये पढ़ना था कि अगर कोई कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या कोई एलॉयज है,
अगर इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए तो उसके ऊपर में जो रेसिस्टेंस होगा और रेसिस्टिविटी होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो वी विल डिवाइड दिस केस इन थ्री केसेस। हम लोग जो इफेक्ट वाला केस है, रेसिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, रेसिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टर। कंडक्टर पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस पे क्या फर्क होगा, बढ़ेगा या घटेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर पे, फिर हम पढ़ेंगे एलॉयज पे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टर के लिए। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। सबसे पहले आप देख लो जो हमारा रो है, रो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर, देयर इज नो इन इफेक्ट ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरा असर इस पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो निगेटिव 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर और डिक्रीज टेम्परेचर, देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन। E पे और N पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो हमारा इफेक्ट होगा वो होगा N पे और हमारा इफेक्ट होगा tau पे। इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर, देन दिस टू क्वांटिटी विल बी गेट इफेक्टेड। फर्स्ट वन N, N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? दूसरा हमारा tau, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? अब देखो, मैंने पहले लिखा है फॉर कंडक्टर। कंडक्टर बोलो या मेटल्स बोलो, इफ वी विल इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, अगर हम लोग कंडक्टर का या मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देन टू फिजिकल क्वांटिटी, टू क्वांटिटी विल बी गेन इफेक्टेड। हमारी दो क्वांटिटी इफेक्ट होगी। कौन कौन सी होगी? एक एन होगी, एक टाउ होगी। तो देखो, मैं यहां पर लिखा हूं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टू फैक्टर्स विल गेट इफेक्टेड। दो फैक्टर इफेक्ट होंगे। पहला हमारा है कि हमारा वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम किसी को कंडक्टर को और या फिर मेटल को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट? वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट इंक्रीज। जब वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तब क्या होगा? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट इंक्रीज। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाया तो मैंने देखा कि वाइब्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज कर रहा है। जब वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोलिजन विल गेट इंक्रीज। अगर हमारा वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है तब कोलिजन विल आल्सो इंक्रीज। कोलिजन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब जब कोलिजन इंक्रीज करेगा तो जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टक्कर होती है, कोलाइड करता है, उसके बीच का समय। अब यहां पे क्या होगा? कोलिजन जल्दी जल्दी होगा। जब कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। रिलैक्सेशन टाइम विल इंक्रीज। और जब रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा तो हमारा रेसिस्टिविटी या रेसिस्टिविटी बोले दोनों इंक्रीज करेगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर मैं बात करूं कंडक्टर के केस में, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, देन टू क्वांटिटी विल गेट इफेक्टेड। फर्स्ट वन एन, एन मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरा हमारा होगा टाउ। टाउ का मतलब क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो मैंने पहला केस लिया। पहले केस में क्या होगा? वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से। जब वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, देन कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स और अमंग द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट इंक्रीज। ठीक है, अच्छा ये बढ़ेगा तो हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी टकराएगा हमारा क्या? दो इलेक्ट्रॉन। जब ये बढ़ेगा, टाउ जब इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। समझ आ रही है बात? बिल्कुल क्लियर है। टाउ के बढ़ने पे हमारा क्या होगा? रेसिस्टेंस बढ़ेगा और रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो दूसरी क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट होगा जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एन, एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाने पे इस पे क्या असर होगा? तो देखो क्या असर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो, जब हम टेम्परेचर देंगे तो आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। देखो क्या होता है, हम लोगों ने क्लास 11th में केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी आउटर मोस्ट सेल से। तो क्या होगा,
ionization of electron will increase. If we give the temperature to a conductor or a metal, then ionization of electron will increase. Ionization of electron क्या होगा? Increase करेगा, बढ़ेगा. इससे क्या होगा? Then number of free electron per unit volume जो है, वो भी बढ़ने लगेगा. भैया जब आप एनर्जी दे रहे हो, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज जब कर रहा है, तब हमारा क्या होगा? एन भी इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेंगे. जब ये इंक्रीज करेगा तब हमारा रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा. इट मीन्स जो दो फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं, टाउ इफेक्ट हो रहा है, एक हमारा एन इफेक्ट हो रहा है, ये दो क्वांटिटी इफेक्ट हो रही है. तो जब टाउ इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज कर रही है. यस और नो? यस सर. अब देखो जब एन इंक्रीज कर रहा है तो हमारा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है. ये बात तो समझ में आ रही है ना? तो टाउ को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, एन को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है. ठीक है, अब ये दोनों आपस में मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, एक दूसरे को कंपेल करते हैं, एक दूसरे से मतलब लड़ाई करते हैं. कभी ये ज्यादा होने की कोशिश करता है, ये ज्यादा होने की कोशिश करता है. अब सवाल ये होता है, सर मैं कौन सा केस को सपोज करूंगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या रेसिस्टेंस कम होना चाहिए? तो आप एक बात ध्यान में रखो, मैंने लिखा हूं यहाँ पे नोट में, कंडक्टर्स हैं, जो कंडक्टर होते हैं मेटल होते हैं, कंडक्टर्स हैं 10^29 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब. कंडक्टर के पास में 10^29 कितना हो गया, करोड़ हो गया, लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन इन एक मीटर क्यूब में, इतना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है कंडक्टर्स के अंदर में या मेटल्स के अंदर में. कहां पे? एट रूम टेम्परेचर पे, जो कि वैल्यू कितनी है, बहुत ज्यादा आई है. क्लियर है कंडक्टर? देखो, सो इंक्रीज इन एन इज इनसिग्निफिकेंट, जो एन का इंक्रीमेंट होता है वो इसके आगे नेग्लिजिबल होता है. जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, इलेक्ट्रॉन 2, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, तो ये कितना है, 10^29 है. 10^29 के आगे यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो नेग्लिजिबल होगा. क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा. सो फ्रॉम दिस कंक्लूजन वी से दैट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर देन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी विल गेट इंक्रीज. इस दो फैक्टर में जो हमारा डोमिनेंट फैक्टर होगा वो ये वाला फैक्टर होगा. अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे उस केस के अंदर में हमारा रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी विल गेट इंक्रीज. समझ आ रही बात नहीं आ रही है? आप इसको दोबारा वीडियो बैक करके, अगर समझ नहीं आया है तो दोबारा देखो इसको. अब सवाल ये होता है कि सर इंक्रीज करेगा किस वे में, लीनियर वे में इंक्रीज करेगा, पैराबोलिक वे में इंक्रीज करेगा, हाइपरबोल, मतलब किस वे में ही करेगा, ये पता नहीं होता हम लोगों को. अब देखो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर में इसका ग्राफ दिया हुआ है कंडक्टर का, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी पे क्या असर पड़ता है. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कॉपर का. ठीक है, कॉपर एक कंडक्टर है. देखो एक्स एक्सिस पे आप दिखाओ किसको, रेसिस्टिविटी को दिखाओ या फिर रेसिस्टेंस को दिखाओ, वाई एक्सिस पे रेसिस्टिविटी को शो करो या फिर रेसिस्टेंस को शो करो, और एक्स एक्सिस पे आप शो करो टेम्परेचर को. टेम्परेचर को, और टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए. ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है. ये ग्राफ किसका है, रो वर्सेस टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है. किसके लिए? फॉर द कंडक्टर, एंड इट इज द स्पेसिफिक फॉर कॉपर. क्लियर है? आप इस दो फैक्टर को समझ में आ गया, दो अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं कंडक्टर का तो दो चीज इफेक्ट हो रही है, एक तो हमारा एन, एक टाउ. टाउ जब इंक्रीज हो रहा है तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है. आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करने की वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है. अब ये दोनों में आपस में लड़ाई होती है, कौन जीतेगा? तब सवाल ये होता है कि जो कंडक्टर होते हैं उसके पास में एट रूम टेम्परेचर, जब वो रूम टेम्परेचर पे होता है तो उसके एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10^29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब सोच लो 10^29 कितना हो गया, करोड़ के आसपास हो गया. ठीक है, जबकि जो इन यहां से कितना निकलेगा, 10, 20, 50, 100, 200, तो इसके आगे ये नेगेटिवल होता है. सो दिस फैक्टर इज डोमिनेंट. ठीक है, ड्रा कर लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड केस पढ़ेंगे इसका, कि सेमी कंडक्टर पर क्या असर होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे और एलवाइस पर क्या होगा. नोट कर लो इसको.
लोगों ने देखा कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर इन कंडक्टर, जब कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब हमारा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है, क्योंकि वहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम वाला जो फैक्टर है वो जीत जाता है, क्योंकि एट रूम टेम्परेचर कंडक्टर के अंदर में 10^29 फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज करती है वो बाहर निकलते हैं तो वो एक नेग्लिजिबल होती है 10^29 के आगे। अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देखो सेमीकंडक्टर में एट रूम टेम्परेचर पे देर इज नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। सेमीकंडक्टर के अंदर में एट रूम टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ना के बराबर प्रेजेंट होते हैं। और सेमीकंडक्टर का तो एक चैप्टर ही है हमारे पार्ट टू में, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ जो हमारे इस चैप्टर में उसको पढ़ लो। सेमीकंडक्टर में क्या है, हमारा मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम है। इफ इंक्रीज टेम्परेचर टू फैक्टर विल गेट इफेक्टेड, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो हमारा दो फैक्टर डिफेक्ट होगा, एक तो हमारा होगा टाउ और दूसरा होगा एन। टाउ का मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा, जल्दी बहुत इंक्रीज करता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर फिर से वही आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ने की वजह से हमारा रेसिस्टिविटी घटेगा और रेसिस्टेंस भी घटेगा। तभी सवाल होता है कि सर इस दो केस में इस बार दो क्वांटिटी इफेक्ट हो रही है तो कौन जीतेगा इस बार, इस बार ये जीतेगा इन, ये वाला जीतेगा। रीजन साफ साफ है, क्योंकि इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, ना के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सेमीकंडक्टर में, ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो एन है वो ज्यादा बढ़ता है, यानी इसका मतलब एन का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है या होल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर में, ये ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, तब यहाँ पे जो एन होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, उसकी वैल्यू कुछ होती है, वो डोमिनेट करता है, इसलिए एन जब बढ़ेगा तो हमारा रेसिस्टेंस घटेगा और रेसिस्टिविटी भी घटेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सेमीकंडक्टर के अंदर में रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं और कंडक्टर में 10^29 के बराबर होते हैं, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। इसमें याद रखना इन सेमीकंडक्टर व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर देन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस। क्लियर है। अब आओ थर्ड केस में एलॉयज के लिए, मैं लिखा हूं ये सब में यूज नहीं होता है, फॉर सम एलॉयज लाइक नाइक्रोम, कुछ एलॉयज नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, ऐसे क्या नाम है किसमें, ऐसे एलॉयज में, ये एलॉयज हमारे यूज किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल के समय में, एक्सपेरिमेंट के समय इसलिए किए जाते हैं ताकि टेम्परेचर बढ़े या घटे उसके अंदर में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे भैया अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारा मोटिव ये होगा, अगर मैं कोई भी वायर उठाऊं तो एक्सपेरिमेंट के समय में अगर टेम्परेचर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है तब हमारे इस मटेरियल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट केस में हमारा ये सब चीज यूज होता है, नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर आर एंड रो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी आर नियरली अनइफेक्टेड, इफेक्ट तो होता है पर ना के बराबर होता है, अगर इफेक्ट ज्यादा होने लगेगा तो हम लोगों को अलग अलग रीडिंग निकालनी पड़ेगी। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, तो ये एक्सपेरिमेंट में ज्यादा यूज होता है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट यूज होता है या फिर मैं बोलूँ साइंटिफिक नोटेशन वाले केस में यूज होता है। तो आप ये देखो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी व्हाट इंक्रीज करता है, रीजन साफ साफ है, उसके अंदर में नॉर्मल टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे 10^29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ता है। दूसरा केस सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना के बराबर होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी घटता है, और एलॉयज केस में ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड, थोड़ा बहुत होता है पर हम लोग फिर भी उसको बोल देते हैं नियरली अनइफेक्टेड, वो नियरली अनइफेक्टेड होता है। क्लियर है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड एलॉय, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या इफेक्ट होगा हमारे कंडक्टर पे और क्या नाम है सेमीकंडक्टर पे और फिर एलॉयज पे। क्लियर है। तो आप फिर डायग्राम तो बना ही लोगे, जब हमारा ये किसी केस में रेसिस्टिव इसके सेमीकंडक्टर के केस में हमारा ये डिक्रीज कर रहा है, सिंपल ग्राफ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे रो, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में,
जब उसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे अलवाइस की, तो थोड़ा सा दिखा दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात तो मैंने बताई दी सेमीकंडक्टर केस में कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और वो सिर्फ फार्मूले के रूप में दिया हुआ है, बच्चे को समझ नहीं आता है कि सर ये दिया कैसे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसका नाम है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस, कॉपी बन डालो, टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फिजिक्स में अल्फा से, किससे डिनोट करते हैं अल्फा से, या इसको हम लोग कोफिशियंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, कोफिशियंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस, दो नाम है, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस और कोफिशियंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस। तो देखो कि हम लोग अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का रिलेशन क्या आता है रेसिस्टेंस और टेम्परेचर के साथ, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, बच्चे को समझ नहीं आता ये आया कैसे, तो मैं हमेशा से बोलता हूं रीड द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट, यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ रहे हो तो बिलीव मी ये मेरा प्रॉमिस है, आपको फिजिक्स से इश्क और मोहब्बत हो जाएगा, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। देखो सबसे पहले हम लोग कोई एक्सपेरिमेंटल केस लेंगे, एक्सपेरिमेंट कहते हैं क्या लेंगे, जैसे मैं बोलूं इफ वी हैव टेकन ए वायर, हम लोगों ने वायर लिया हुज टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, देखो एक वायर मैंने लिया उसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में था टी, ठीक है, तो लैंग्वेज बना के कॉपी पे लिखो खुद से, मैं हमेशा से बोलता हूं जब लेक्चर स्टार्ट हो तो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठो, इसमें पहले लिख लेना इफ वी हैव टेकन ए वायर हुज टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम कैपिटल टी टू, इससे चेंज होकर चला जाता है क्या मान लो, ये मान लो टी प्लस डेल्टा टी, अब ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ मेरे को पता नहीं है, चेंज हुआ है, क्या बोलो मैं, इफ यू हैव टेकन ए वायर हुज टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी, शुरू में टेम्परेचर टी था बाद में टेम्परेचर हो गया टी प्लस डेल्टा टी, क्लियर है। व्हेन टेम्परेचर वाज टी, जब हमारा टेम्परेचर टी था तो हमारा रेसिस्टेंस था आर नोड, जब टेम्परेचर टी था तो हमारा रेसिस्टेंस क्या था आर नोड इनिशियली, और जब हमारा टेम्परेचर हो गया टी प्लस डेल्टा टी, क्या हो गया हमारा T प्लस डेल्टा T, तो हमारा टेम्परेचर हो गया रेसिस्टेंस हो गया R नोट प्लस में डेल्टा dr, समझ में आ रही बात, कैसे बना के लिखोगे, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को तो दिक्कत नहीं होगी, स्टेट बोर्ड वाले को थोड़ा दिक्कत आती है, फिर भी आप लिखो, मैं लिखवा देता हूं, इफ वी हैव टेकन ए वायर हुज टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी, व्हेन टेम्परेचर वाज टी देन रेसिस्टेंस वाज R नोट, and when temperature becomes T plus delta T, then resistance becomes R naught plus dr. Clear है? अब देखो कि जब हम लोग ये केस देखते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर में, फिर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं इसको, चेंज इन रेसिस्टेंस, चेंज इन रेसिस्टेंस, ठीक है, चेंज इन रेसिस्टेंस क्या होगा, जो चेंज इन रेसिस्टेंस होगा वो जो dr होगा छोटा वाला जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dt के, ये बात समझ में आ रही होगी, जो हमारा ये चेंज आया रेसिस्टेंस के अंदर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेल्टा t के, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये केस किसका है, कौन सा वाला केस है ये, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहला केस होता है, और दूसरा केस इसको मैं मान लू केस 1, ठीक है, dr जो होता है चेंज रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dt के, दूसरा हमारा है कि जो हमारा dr होता है चेंज इन रेसिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेसिस्टेंस के, dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t, दूसरे केस में क्या बोला dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नोड मतलब इनिशियल रेसिस्टेंस, ठीक है, कितना चेंज होगा वो डिपेंड करेगा शुरुआत वाले रेसिस्टेंस पे, क्लियर है। अब देखो ये दो इक्वेशन को कंबाइन करोगे आप तो हमारी वैल्यू आएगी, जो क्या आएगा dr, हमेशा से आप जानते हो इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी सिंबल देन ए कांस्टेंट वैल्यू कम, जब एक हमारी क्या नाम है प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है तो हमारी क्या आती है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसका नाम यहाँ पे अल्फा,
क्या नाम है, अल्फा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आर नोड डी टी। क्लियर है? तो देखो यहां से यही हमारा मेन फॉर्मूला है, फिर हम आगे निकाल के दिखाएंगे, लेकिन जो हमारा यहां पे है अल्फा वो हमारा है कोफिशियंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अगर हमारा अल्फा कांस्टेंट होगा तो हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, ऐसा 99% केस में क्वेश्चंस में बुक्स के अंदर में जो हमारा अल्फा रहता है वो कांस्टेंट रहता है, 1% केस में अगर बदल रहा है तो हम लोग को तो जनरल चीजें याद होनी चाहिए, वी आर द स्टूडेंट्स, वी आर द एस्पिरेंट्स ऑफ जेई एंड नीट, वहां पे जेई एडवांस लेवल है क्वेश्चन में पूछ सकता है हम लोगों से। अल्फा 99% में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं। अब देखो हमारी वैल्यू ये आई है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू डी आर है, जब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, डी आर इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा आर नोड डी टी, क्या किया हमने, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो इंटीग्रेशन जब करते हैं हम लोग तो हम लोगों को लिमिट भी पुट अप करनी पड़ती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब इसमें देखो, इसमें लोअर लिमिट क्या है, आर नोड है भैया, रेसिस्टेंस के केस में हमारी लोअर लिमिट क्या है, आर नोड है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल, इसको बोलते हैं फाइनल, फाइनल को मैं लिख देता हूं आर एफ, फाइनल रेसिस्टेंस। अब मैं इस वाले केस के लिए मैं क्या लिखूं, बोलो, अगर मैं इस वाले केस के लिए लिखूं लिमिट, तो हमारी लिमिट होगी टेम्परेचर इनिशियल और टेम्परेचर फाइनल, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आप अगर डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा क्या आएगा, डी आर का इंटीग्रेशन हमारा आएगा आर, लिमिट हमारी क्या है, आर नोड से आर एफ, इनिशियल रेसिस्टेंस आर नोड हमने सपोज किया था। अब देखो इस वाले केस में हमारा कांस्टेंट क्या है, मैं फिर से समझा रहा हूं, अल्फा 99% केस में इसमें होगा कांस्टेंट वैल्यू होगी, और अगर क्या नाम है वेरिएबल के फॉर्म में देगा तो राइट वैल्यू यहां पर रख लीजिएगा अल्फा की। अभी मैं कांस्टेंट मान के बाहर निकाल दे रहा हूं, तो देखो यहां पे अल्फा और आर नोट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा, ठीक है, टी इनिशियल और ये हमारा टी फाइनल। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, लिमिट लगाना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां क्या आएगा, आर एफ रेसिस्टेंस फाइनल माइनस रेसिस्टेंस इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा आर नोड, ठीक है, यहां से क्या आएगा हमारा, बोलो बोलो, तो ये आएगा हमारा टेम्परेचर फाइनल माइनस टी इनिशियल। देखो पहले मैंने यहां से स्टार्ट किया वहां इंटीग्रेट किया, कोई दिक्कत आ रहा तो बताओ, बोलो, नहीं आ रहा है। अब देखो आप क्या करो, आर नोट को इधर भेज दो, आर एफ इज इक्वल टू आर नोट प्लस अल्फा आर नोट, क्या मैं अल्फा आर नोट को, चलो मैं अभी यही लिख दे रहा हूं, मैं इसको बाद में डेल्टा टी भी लिख सकता हूं, टी एफ माइनस टी आई फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब देखो ये दोनों वैल्यू में हमारा कॉमन क्या आएगा, कॉमन हमारा आ जाएगा आर नोट, आर नोट बाहर आ गया, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा वन प्लस अल्फा, क्या बचेगा, वन प्लस अल्फा, यहां क्या लिखा हुआ है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, आर एफ की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे हम लोगों की बुक में लिखा हुआ है आर नोट वन प्लस अल्फा, और ये क्या हमारा चेंज इन टेम्परेचर का ले देंगे डेल्टा टी, ये हमारा हो गया आर एफ। फाइनल रेसिस्टेंस क्या आ गया हमारा, फाइनल रेसिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल रेसिस्टेंस ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, देख लो किस में आ रहा है, बताओ यहां पर डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो समटाइम्स क्या बोलता है हम लोगों को कि ये तो हमारा जो आंसर आया है या फिर रिजल्ट आया है वो इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस आया है, अब हमसे पूछते कि रेसिस्टिविटी के रिलेशन में क्या आएगा, उसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी, रो एफ देख लो एक बार रख के दिखा देता हूं, आर फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए होता है, यहां लिख दो रो एफ, लिख दिया एल अपॉन ए इज इक्वल टू रो आई एल अपॉन ए, यस ऑर नो, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो यहां से एल से एल कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा ना, क्या बचेगा हमारे पास में रो एफ,
मैं यहाँ पे इनिशियल लिख रहा हूँ, चाहो तो नोड ही यही रख देते, क्योंकि इनिशियल नोड क्या सपोर्ट किया था आर नोड, यहाँ तो क्या आएगा अल्फा नोड इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो सेम वैल्यू आ रही है इसके टर्म में भी, रेजिस्टेंस के टर्म में ये आ रहा है और रेजिस्टिविटी के टर्म में ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, रो एफ इज इक्वल टू रो नोड इनटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, देख लो इस अच्छे तरीके से, क्लियर है। अगर हमसे बोले कि सर आप इसको अल्फा को सब्जेक्ट बना के हमें फॉर्मूला बता दो, तो देखो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बताओ क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू आर एफ, आर नोट वहां चला जाएगा आर एफ माइनस आर नोट, ये होगा और डिवाइड में क्या जाएगा हमारा, बोलो आर नोट डेल्टा टी। ठीक है, ध्यान से देखो, हम लोगों ने फिर से मैं बता दे रहा हूं क्या किया, वी हैव ए वायर, हम लोगों के पास एक वायर था जिसका टेम्परेचर टी था, कुछ देर के बाद वो चेंज हो गया टी प्लस डेल्टा टी। जब टेम्परेचर टी था तो हमारा रेजिस्टेंस आर नोट था, और जब टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी हुआ तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया आर नोट प्लस डी आर। चेंज इन रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी के, डी टी के, और दूसरा हमारा प्रोपोर्शनल किसके है, इनिशियल रेजिस्टेंस के, दोनों कंबाइन के ये वैल्यू आ गई, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को याद रखो, फिर तुम्हें ये वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, ऐसे 99% केस में ये कांस्टेंट ही होता है, अगर वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, तो मैंने जो डेरिवेशंस किया है उसको कांस्टेंट बाहर मान के निकाल दिया। ठीक है, फिर मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछा कि आप रेजिस्टिविटी के फॉर्म में लगाओ, तो आर का फॉर्मूला था रो एल अपॉन ए, मैंने वैल्यू पुट अप किया, देखो रो दोनों का फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है, ये दोनों एक ही टर्म है, ये रेजिस्टेंस है और ये हमारी क्या है, रेजिस्टिविटी है। अब हमें अल्फा डाटा अगर निकालना हो किसी बच्चों को याद रखना, तो अल्फा इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर नोट हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आर नोट अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, अल्फा सब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फाइनल माइनस रेजिस्टेंस इनिशियल अपॉन में फाइनल इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू में डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो छोटी सी हम बात कर लेते हैं कि सर कंडक्टर्स में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, याद लिख लेना कॉपी पे, कंडक्टर्स में, इन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स जो अल्फा हमारा होता है, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, इन कंडक्टर्स अल्फा वैल्यू इज पॉजिटिव, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेमीकंडक्टर में जो अल्फा की वैल्यू हमारी होती है वो होती है निगेटिव। ठीक है, कंडक्टर केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इससे किस में क्या होती है, निगेटिव, और एलॉयज के केस में नाइक्रोम क्रोम के सारे मैंने ये सब जो मैंने नाम लिखवाया था नाइक्रोम मैंगनीज कॉन्स्टेंट, इसमें क्या होता है अल्फा नियरली जीरो के बराबर होता है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका लगभग क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, सेमीकंडक्टर में निगेटिव होता है, कंडक्टर में पॉजिटिव होता है। क्लियर है, आप इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको यूज समझ में आ जाए कैसे इसको यूज करना है, नोट डाउन कीजिए इसको। देखो मैंने जो न्यूमेरिकल दिया है ये एनसीईआरटी के बेसिस पे हमारा कॉन्सेप्ट बनाया गया इसके ऊपर में, देखो ध्यान से समझना, पहले इसको पॉज करना, खुद से करने की कोशिश करना, क्या क्वेश्चन, देखो द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर शुरुआत का 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, जब हमारा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ है। ठीक है, फुल स्टॉप, एट वाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल बी 117, एट वाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल बी 117 ओम, 117 ओम किस टेम्परेचर पे ये होगा, हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1.7 इंटू टू द पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, हो जाएगा हम लोगों को। पहले देखो आप गिवन वैल्यू, गिवन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, आप सब कर सकते हो, जो शुरुआत का टेम्परेचर मैं बोल रहा हूँ टी है, टी कितना बोला है 27 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है तो जो हमारा इनिशियल आर नोट जिसको हम लोगों ने सपोज किया था उसका जो हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ दिया हम लोगों को 100 ओम, कितना दिया है 100 ओम। अब पूछा है एट टेम्परेचर बताओ जब हम लोगों का रेजिस्टेंस कितना है, फाइनल कितना है 117 ओम, निकाल लोगे, बोलो, सिंपल फॉर्मूला है लगाओ वाला, आर एफ रेजिस्टेंस फाइनल इज इक्वल टू आर नोट, क्या होगा आर नोट फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला था,
या सुनो, अब देखो वैल्यू पुट करो, आरएफ कितना दिया उन लोगों को 117, आर नोट कितना है 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू तो पता ही है अभी रखो नहीं, ठीक है। डेल्टा टी कितना दिया हम लोगों को, दिया नहीं है, टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस होगा, यही तो होगा भैया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, 117 इज इक्वल टू 100 प्लस 100 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 100 अल्फा टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो 117 100 इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो मैं लिख रहा हूँ 100 इंटू में अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई हम लोगों को 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसको सोल्व कर लोगे आप, देखो कैसे सोल्व होगा, ये कितना बचेगा घटाओगे तो ये बचेगा 17 अपॉन में 100 इंटू में 1.7 10 पर 4 को ऊपर ले चला जाता हूँ, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अब आप देखो ये पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये 17 कट जाएगा, 10 की वैल्यू कितना कटेगा 3 बार में कटेगा, सॉरी 10 से 100, अब ये 10 से काटो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो आ गया ये 10 की पावर 3 कितना होगा 1027 इधर आ जाएगा 27 is equal to T, तो यहाँ से T की वैल्यू आ रही है 1027 डिग्री सेल्सियस, 1027 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आ गया टेम्परेचर, ठीक है। देख लो फॉर्मूला सिंपल लाया, सोल्व किया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर में, इससे थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है ये, समझिएगा ध्यान से। द रेसिस्टेंस ऑफ ए सिल्वर वायर इज, वायर को लिख लीजिएगा, रेसिस्टेंस ऑफ ए सिल्वर वायर इज, वायर इज 5 ओम, सिल्वर वायर का रेसिस्टेंस 5 ओम है एट आइस पॉइंट, आइस पॉइंट पे 5 ओम है एंड 5.5 ओम एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट पे और आइस पॉइंट पे हम लोगों को सिल्वर वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। आइस पॉइंट पे है 5 ओम एंड एट स्टीम पॉइंट 5.5 ओम, हमसे पूछा है फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज 5.8 ओम, किस टेम्परेचर पे वायर का रेसिस्टेंस 5.8 ओम होगा ये बोल रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करो, आप गिवन वैल्यू लिखो, ऑलवेज ट्राई टू राइट गिवन वैल्यू इन द न्यूमेरिकल। जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस पॉइंट बोला है 0 डिग्री सेल्सियस है, तब हमारी आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारी है 5 ओम, बोला ना आइस पॉइंट, आइस पॉइंट पे हमारा वैल्यू कितना दिया 5 ओम। दूसरी बार हम लोगों को दिया स्टीम पॉइंट पे, स्टीम पॉइंट कितना हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों को रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना 5.5 ओम। अब देखो हम लोगों को दो केस यहां पे दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है, एक हमारा ये केस है, हमारे पास दो केस गिवन है। अब देखो सबसे पहले आप ये दोनों को यूज करो, फर्स्ट और सेकंड को, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, कौन सा वाला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। तो उस जब ये फॉर्मूला लगाओगे कौन सा लगाओगे, वही वाला भैया आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फर्स्ट सेकंड में लगाओ। जब फर्स्ट सेकंड में आप लगाओगे तो ये आरएफ कितना है, आरएफ यहां पे क्या 100 है, मैं 100 लिख दे रहा हूं, चलो आरएफ रख दो, ठीक है। ये दोनों के बीच में हम लोग ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो यहां से हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा निकलेगा यहां से, अल्फा निकलेगा यहां से, कैसे निकलेगा सर, आरएफ की वैल्यू कितनी होती बताओ,
आरएफ की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, बताओ ये दी हुई हम लोगों को 100 पे कितना दिया हुआ है 5 ओम, लिख दे रहा हूं मैं 5.5 ओम। अब देखो इनिशियल वाले पे हम लोगों को वैल्यू कितनी दिया हुआ है बोलो, 5 दिया हुआ है, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा तो दिया नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 100 माइनस 0 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, देखो 100 माइनस 0 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 100 अल्फा, तो परेशानी। अब देखो 5.5 इज इक्वल टू 5 प्लस 500 अल्फा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहां आया तो कितना आ गया, ये यहां से आ जाएगा 5.5 माइनस 5, ये तो वैल्यू आएगी अपॉन में 500। इसको इक्वेट करने के बाद हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इक्वल टू आ गया 5.5 माइनस 5 अपॉन 100, इसको मैं इक्वेशन ए मान दे रहा हूं। कोई परेशानी नहीं सर। अब देखो आप इस बात को समझिएगा ध्यान से, अगर मैं चलो मैं इधर चल रहा हूं, अगर मैं देखो इक्वेट करूं किसको, अब करूं अब करूंगा 1 और 3 को, इसको हम बोल देते हैं 3। अब देखो 1 और 3 में मैं यही फॉर्मूला लगाऊं, बताओ 1 और 3 में लगाएंगे तो क्या आएगा भैया, आएगा आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही आएगा। आर टी की वैल्यू मेरे को कितना दी हुई है 5.8, आर नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टार्टिंग वाली 5 ओम 1 प्लस। अब देखो अल्फा तो अल्फा है, यहां पर टेम्परेचर कैसे दिखेंगे, टी माइनस 0 क्या होगा टेम्परेचर, टी माइनस 0 ये फाइनल है, ये इनिशियल टी माइनस 0। अब इसको सोल्व करो तो क्या आएगा हमारा 5.8 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 अल्फा टी, यही तो आएगा। अब 5 किधर लेके आओ, 5.8 माइनस 5 यस और नो अपॉन में 5 टी इज इक्वल टू अल्फा। अब देखो आप ध्यान से समझे इस बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं मान रहा हूं बी। अब देखो ये दोनों वैल्यू किसकी है, अल्फा की है, दोनों वैल्यू किसकी है भैया, अल्फा की है। तो हम लोग ये दो अलग अलग इक्वेशन को यूज करके दो अलग अलग कंडीशन बनी है अल्फा की, तो अल्फा की तो वैल्यू सेम ही होगी, वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी सेम और नॉट, सेम होगी। अब आप क्या करोगे, इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, इसकी वैल्यू इक्वेट कर दो। तो यहां पर देखो यहां से आई क्या 5.5 माइनस 5 अपॉन 100, यहां से आई है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेट करो इज इक्वल टू 5.8 माइनस 5 अपॉन 5 टी। अब क्या वेरिएबल बच गया, टी बच गया, अब टी निकालना था मेरे को, टी निकल जाएगा, सिंपल मैथ्स है। कैसे निकालोगे, 5 वन का 5 या आ गया 100 आ गया ना, तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 5.8 से क्या हो जाएगा 0.8 अपॉन में टी, ये तो बचेगा। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये सुनो, अब देखो 5 वन का 5 और ये 20 बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, टी इक्वल टू हमारा आ गया 28 से कितना होगा 160 डिग्री सेल्सियस, क्लियर हो गया, ये यानी कि 160 डिग्री सेल्सियस पे 160 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों को रेसिस्टेंस मिलेगा वायर का 5.8 ओम, ठीक है। बस ये खास बात है, स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट दिया रहेगा, तो हम लोगों को अल्फा दो जगह से निकाल देना, उसको इक्वेट करना, जो वैल्यू आएगी हमारे अल्फा क्या जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसका एक छोटा सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्यों, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंड आई हैव वन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन, सो दैट द स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू गेट द एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यू टू द अनेबिलिटी ऑफ मनी और एनी अदर थिंग्स, दे कैन टेक बेनिफिट ऑफ दोस, ठीक है। मैं इस चैनल को क्रिएट ही इसलिए किया हूँ ताकि जो पुअर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को नहीं कर पा रहे हैं, तो आई एम प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, डॉट को डॉट सेशन लगाऊंगा वही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। ऑल द बेस्ट।